वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी की पाठशाला एंड आई एम बैक विद अ वीडियो. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग एंड आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स, लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन अपलोडिंग अ लेक्चर ऑन इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट of emergence of psychology, academic psychology in India. Okay, so this is a part of your lecture, academic psychology in India, which you have to study in your UGC NET psychology exam. So I have brought this lecture. This is the part one, because academic psychology covers a lot many aspects: pre-independence, post-independence, social issues, indigenization, and all of these which are written here till here. So I'll be covering all of these things, but this is something which is very lengthy, and this is which you have to actually understand. You have to memorize some of the dates also, but the most important thing is that you need to understand this. So this is a lecture which will enable you to understand what happened in pre-independence, after independence, and all of these things. Okay, so without much ado, let's start with the lecture. And before we move on, I would just request you to like, share, subscribe, and comment Psychology Ki Paathshala for more and more lecture series. Okay, now the one thing is that you need to, whatever is there in this particular lecture series, you need to actually understand it. ये कोई साइकोलॉजी नहीं है कि आपको इसमें कुछ थ्योरीज होगी जो आपको समझना है. नो, इट्स ऑल अबाउट लाइक हिस्ट्री, एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया. सो यू हैव टू, इट्स लाइक अ स्टोरी विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू डोंट फोकस ऑन व्हाट्स देयर, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके सो इंडियन साइकोलॉजिस्ट लिव इन टू पैरेलल वर्ल्ड्स: West oriented academic psychology, which actually aided for professional growth, and other less formalized scholarship to satisfy creative urges. Now Indian psychology, ये जो बात हो रहा है ना, ये this is pre-independence का बात हो रहा है. This is ये पुरानी चीज़ों की बात हो रही है. So don't compare it in this present thing. Okay, so उस समय में जो Indian psychologists होते थे वो दो world में होते थे. एक world विच वॉज वेस्ट ओरिएंटेड, जहाँ पे वो प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ जा रहा था, एंड दूसरा सिर्फ अपने क्रिएटिव अर्जेस को सेटिस्फाई करने के लिए एक मोटिव था. सो एज अ रिजल्ट वॉट हैपन्ड वॉज दैट अकेडमिक साइकोलॉजी डिड नॉट गेट एनरिच्ड फ्रॉम डिवर्स एक्सपर्टीज एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस. इसी वजह से जो अकेडमिक साइकोलॉजी है वो उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, उतना ज़्यादा एनरिच नहीं हो पाया, इतनी एक्सपर्टीज एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस के बावजूद भी इंडियन साइकोलॉजिस्ट के. सो दो साइकोलॉजी जो है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवर्स करके आया है. बहुत पुराना है साइकोलॉजी, बट एक जब एक डायरेक्शन नहीं मिलती है तो जो लैक ऑफ डायरेक्शन था उससे डाउट्स होने लग गए रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो. क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा था कि इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, तो जब हमें एक डायरेक्शन नहीं मिलती है, लैक ऑफ डायरेक्शन, उससे डाउट्स आते हैं. इवन अगर हमें भी अगर हमें सही डायरेक्शन में चीज़ें नहीं पता लगेगी कि हमें यहाँ जाना है, तो हमारे मन में डाउट्स आने लगते हैं, राइट? तो इसी तरह से उनका भी था. सो फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी एकेडमिक साइकोलॉजी कंटिन्यूड टू बी एन एलियन डिसिप्लिन. ऑलमोस्ट सेंचुरी तक ये एक तरीके का एलियन डिसिप्लिन ही माना गया, जो लोग नहीं जानते थे. और इन द बिगनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी साइकोलॉजी को एक लॉक स्टॉक बैरल वेस्ट से इंपोर्ट किया गया एंड पहले इम्प्लांट किया गया 1916 में कैलकटा यूनिवर्सिटी. सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. तो कैलकटा यूनिवर्सिटी 1916 में सबसे पहले साइकोलॉजी जो आया दैट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम वेस्ट 1916 में कैलकटा यूनिवर्सिटी में. अब तीन तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को आगे रखा गया टू एक्सप्लेन द रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया. ये एक्सप्लेन करने के लिए कि साइकोलॉजी क्यों नहीं ग्रो कर पाया. तो
इसके लिए तीन आर्ग्यूमेंट्स निकल के आए थे. पहला, विच इज़ मोर चैरिटेबल, ये चैरिटी से रिलेटेड है, यानी कि सपोर्टिव इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट नहीं था. सबसे पहला था कि देयर वॉज अ लैक ऑफ सपोर्टिव इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट. जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको एक एनवायरनमेंट नहीं मिलता टू स्टडी, यू आर नॉट एबल टू स्टडी. इन द सेम वे इनके पास भी एक इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट की कमी थी. ठीक है, पुअर प्रोफेशनल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट की कमी थी, और इनएडिक्वेट रिसर्च फंडिंग. और जहाँ पैसे नहीं हैं तो वहाँ काम नहीं है, इनएडिक्वेट रिसर्च फंडिंग. सो इट हाउएवर थ्रोज नो लाइट ऑन व्हाई इज साइकोलॉजी इन इंडिया लैगिंग बिहाइंड अदर डिसिप्लिन्स लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स. लेकिन फिर भी ये तीन चीज़ें ये नहीं बता पा रही है कि साइकोलॉजी क्यों पीछे था. उस टाइम पे सोशियोलॉजी भी आगे था, एंथ्रोपोलॉजी भी आगे था, इकोनॉमिक्स भी आगे था, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे सपोर्टिव क्लाइमेट नहीं था, रिसर्च प्रोडक्टिविटी नहीं थी, फंडिंग नहीं थी. बट उसके बावजूद भी सोशियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स वर फॉरवर्ड, बट साइकोलॉजी वॉज नॉट वेरी फॉरवर्ड, वो बैकवर्ड ही था उस समय. ऐसा क्यों? तो ये तीन चीज़ें ये तो साबित नहीं कर पा रही हैं कि साइकोलॉजी जो है वो उस टाइम पे पीछे क्यों था. बिकॉज डिस्पाइट दीज थिंग्स अदर सब्जेक्ट्स, अदर डिसिप्लिन्स वर ऑलवेज एट द फ्रंट. तो इससे एक सेकेंड लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट आया कि साइकोलॉजी के अंदर ही कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस थे. मतलब साइकोलॉजी इन इट सेल्फ हैड सम इनहेरेंट लिमिटेशंस एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. क्यों? मतलब साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम था कि वो क्या था, उसके खुद की लिमिटेशन ये थी कि इट हैड टू हैव एक्सेसिव कन्फर्मिटी टू एम्पिरिसिस्ट पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजीज. इसकी एक्सेसिव, इसको कन्फर्मिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इम्पिरिकली. इसको हमेशा प्रूव करना पड़ता था इम्पिरिकली, राइट? और ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो लेवल प्रॉब्लम्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड था. तो ये जो था ये खुद में ही इनसफिशियंट था कि ये मैक्रो लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए या उन पे अप्लाई हो पाए. साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कुड ओनली बी अप्लाइड टू माइक्रो लेवल प्रॉब्लम्स एंड नॉट मैक्रो लेवल प्रॉब्लम्स. और इसको हमेशा बहुत ज़्यादा एम्पिरिकली, हमेशा हर वक्त कन्फर्मिटी की ज़रूरत होती थी. तीसरा सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट जो था वो ये था कि मतलब ये इसके पर्सनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड पर था इंडियन साइकोलॉजिस्ट के. सो इट वॉज बेसिकली इट रेफर्ड बैक टू द पर्सनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन साइकोलॉजिस्ट. तो ये इसमें ये कहना चाह रहा है कि रिटार्डेड ग्रोथ क्यों था. पहला इसमें एक आंसर गया कि सपोर्टिव इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट नहीं था, रिसर्च प्रोडक्टिविटी के इम्पिडेंस थे, प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं था, इनएडिक्वेट रिसर्च फंडिंग थी, ये था. लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि साइकोलॉजी क्यों पीछे थी, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट दैट ये सारी चीज़ें थी, बाकी डिसिप्लिन हमेशा आगे रही. फिर एक दूसरी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये आया कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन के अंदर खुद की इनहेरेंट लिमिटेशन थी कि इट हैड टू हैव एन एक्सेसिव कन्फर्मिटी, एम्पिरिकल कन्फर्मिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी, है ना. और ये माइक्रो लेवल्स प्रॉब्लम को ही डील कर पाता था, मैक्रो नहीं कर पाता था. और तीसरा लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट इसकी एकेडमिक की रिटार्डेड ग्रोथ, एकेडमिक साइकोलॉजी की रिटार्डेड ग्रोथ की वजह ये भी थी कि जो पर्सनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड था इंडियन साइकोलॉजिस्ट का. क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस सेंचुरी वर अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी बाय वेस्टर्न स्कॉलरली ट्रेडिशन. मतलब हम हमेशा डोमिनेटेड थे कॉलोनियल इंडिया से, वी वर अंडर कॉलोनियल रूल. तो जो पहले जनरेशन साइकोलॉजिस्ट थे इंडियाज आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो साइकोलॉजिस्ट थे वो सारे फिलॉसफी बैकग्राउंड के कन्वर्ट्स थे. मतलब वो फिलॉसफी से साइकोलॉजी में कन्वर्टेड थे. तो इससे क्या हो रहा था, दिस कंबाइंड विद देयर एलिटिस्ट अर्बन बैकग्राउंड, फ्यूअर जॉब ओपनिंग, सेल्फ सर्विंग रिसर्च ओरिएंटेशन, इससे एक क्या हुआ कि इनको एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट को एक आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट इनकी बन गई फ्रॉम दोज जो अदर सिस्टर डिसिप्लिन से थे, राइट? सो साइकोलॉजी जो है वो सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी. सो इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट इन द फिलॉसफी डिपार्टमेंट. इसको इंट्रोड्यूस तो किया गया था बट इसको फिलॉसफी डिपार्टमेंट में किया गया था, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं. इट वॉज इन द फिलॉसफी डिपार्टमेंट. कब हुआ था? 1916 में.
ये पहले भी यू हैव स्टडीड. ब्रजेंद्रनाथ सील, उस समय के किंग जॉर्ज जो थे वो कौन थे? ब्रजेंद्रनाथ सील थे. ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ मेंटल एंड मॉरल फिलोसफी. और इन्होंने अपना पहला सिलेबस दिया था किसके लिए? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लिए. एंड ही एस्टैब्लिश्ड अ लेबोरेटरी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज इन 1905. 11 ईयर्स लेटर ये लेबोरेटरी को अपग्रेड किया गया एज फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. सो 11 साल बाद यानी 1916 में इसको अपग्रेड किया गया एज द फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. देन नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जो इस डिपार्टमेंट को चेयर कर रहे थे, उनकी एजुकेशन कहाँ से थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थी, ह्यूगो मुंसबर्ग के साथ. ह्यूगो मुंसबर्ग वॉज अ स्टूडेंट ऑफ विलियम वुड, राइट. फिर लेबोरेटरी रिसर्च शुरू हुई कैलकटा में. डेप्थ परसेप्शन, साइकोफिजिक्स, अटेंशन, ये सारी चीज़ों पे काम शुरू हुआ. सो द फर्स्ट मेजर थिंग विच यू हैव टू स्टडीज की पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी 1916 में आई थी, किसने कराई थी? वो ब्रजेंद्रनाथ सील ने कराई थी. और पहला जो था डिपार्टमेंट था दैट वॉज इन 1916 कैलकटा यूनिवर्सिटी. सो साइंटिफिक नेचर को रिकग्नाइज करते हुए साइकोलॉजी को एक सेपरेट सेक्शन दिया गया इंडियन साइंस कांग्रेस में 1923 में. सो अ सेपरेट सेक्शन वॉज अवॉर्डेड टू साइकोलॉजी 1923 अकॉर्डिंग इन द इंडियन साइंस कांग्रेस. फिर इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन आया 1924 में. एंड इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, ये पहला साइकोलॉजी जर्नल था जो 1925 में आया. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न, ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा. देन सेन गुप्ता लेफ्ट कलकत्ता, गिरिंद्र शेखर बोस ने उनको सक्सीड किया, ठीक है. तो नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता जो है वो इस डिपार्टमेंट को चेयर कर रहे थे, जब इन्होंने छोड़ा तो गिरिंद्र शेखर बोस आ गए. ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, ये सिगमंड फ्रायड के बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में थे. तो इन्होंने भी साइको एनालिसिस को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म शो किया, बिकॉज ही वॉज ऑफकोर्स द स्टूडेंट ऑफ फ्रायड, एंड फ्रायड का साइको एनालिटिक अप्रोच है इन साइकोलॉजी. देन इन 1922 ही फाउंडेड इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी, और दो साल बाद जो कि इंटरनेशनल साइको एनालिटिक सोसाइटी के साथ एफिलिएट हुआ. ही रिसीव्ड हिज PhD फ्रॉम कलकत्ता. इन्होंने रिप्रेशन का कॉन्सेप्ट पे PhD किया था, फर्स्ट PhD फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी इन साइकोलॉजी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली PhD किसकी थी किसी भी एक इंडियन यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी की? तो वो बोस ने किया था. इन्होंने लुम्बिनी पार्क मेंटल हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया कलकत्ता में 1940 में. एंड ही ब्रॉट अ जर्नल समीक्षा इन 1947. सो इंडियाज इंडिपेंडेंस के पहले अदर डिपार्टमेंट्स भी इस्टेब्लिश हुए, जैसे मैसूर में 1924 में इस्टेब्लिश हुआ, मैसूर में डिपार्टमेंट 1924 में इस्टेब्लिश हुआ. देन ये MV गोपाल स्वामी इसको हेड कर रहे थे, मतलब मैसूर एंड पटना में इंडियाज इंडिपेंडेंस के पहले ही हो गया था ब्रिटिश रूल के अंडर में, ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ पटना कब शुरू हुआ? 1946 में, अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड सर्विसेज HP मैती के अंडर में. सो स्टैब्लिश हुआ था मैसूर और पटना में, लेकिन मैसूर में 1924 में हुआ और पटना में 1946 में हुआ. मैसूर में MV गोपाल स्वामी वॉज द हेड और यहाँ HP मैती हेड थे. फिर वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत सारे बच्चों को हुआ. एंड जो पटना था वो इमर्ज हुआ एज अ मेजर सेंटर फॉर टीचिंग रिसर्च एंड काउंसलिंग सर्विसेज. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द टू वर्ल्ड्स ऑफ इंडियन साइकोलॉजिस्ट, व्हाई डू वी कॉल दैट कि दो वर्ल्ड थे इंडियन साइकोलॉजिस्ट के? द कंसेप्ट एंड थ्योरीज इन वेस्टर्न साइकोलॉजी हैव देयर जेनेसिस इन सोशल अपहीवल. देखो इसमें अगर इतना डेप्थ में जाएं तो ये इट विल बी क्लियर फ्रॉम हियर कि ये जो डिसिप्लिन था ये कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटीज़ को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए इवॉल्व हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए हो रहा था. तो वेस्ट में जो साइकोलॉजी है वो थियोलॉजी फिलॉसफी से काफ़ी मूव अवे हो चुका था और इसने अपने खुद के इंक्वायरी के मेथड बनाए थे. तो इंडियन साइकोलॉजिस्ट सॉ
कि दैट इन अप्लाइंग वेस्टर्न साइकोलॉजी देर वॉज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपिंग अ सेक्युलर आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी. तो उन्होंने बोला कि अगर हम वेस्टर्न साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक अपनी खुद की आइडेंटिटी बना सकते हैं रिलीजन फिलोसफी के अलावा, जो कि इंडिजिनस इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है. और क्योंकि इतने सेंचुरीज से साइकोलॉजी निग्लेक्ट हो रही थी, तो इंडियन साइकोलॉजी उतना ज़्यादा इक्विप्ड भी नहीं था कि वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को एग्जामिन कर सके. उसके पास इतने टूल्स ही नहीं थे कि टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग सोशल एंड मॉरल डेके ऑफ द इंडियन सोसाइटी. देयर वर नो, कोई भी नए कॉन्सेप्ट नहीं थे, कोई थ्योरी नहीं था, कोई भी मेथड नहीं था इंडियन साइकोलॉजी में जिससे कि इंडिविजुअल और सोशल ऑर्डर में कोई चेंज आ सके. सो कॉट बिटवीन टू वर्ल्ड्स, जो कि एक वेस्ट एंड ईस्ट वर्ल्ड, इंडियन साइकोलॉजिस्ट का हमेशा प्रॉब्लम रहा है इन बैलेंसिंग द पोलरिटीज. इंडियन माइंड, इवन इफ ट्रेन टू बी साइंटिस्ट, वो हमेशा डिफ़िकल्ट ही फाइंड करता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी को परस्यू करने के लिए, और जो कि वेस्टनर के लिए एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है कि वो हमेशा क्या करता है, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी को ढूंढने की कोशिश में लगा रहता है. इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने अपना काम को कंपार्टलाइज किया अदर स्कॉलर्स से अपने क्रिएटिव परस्यूट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. मतलब वो एक ही साथ दो डिफरेंट वर्ल्ड्स में रह रहे थे बिना किसी ओवरलैप के. अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ इंडियन साइकोलॉजिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस लिव्ड इन टू डिफरेंट वर्ल्ड्स. हम कैसे कह सकते हैं कि वो दो डिफरेंट वर्ल्ड्स में रह रहे थे? तो इसका रीज़न देखो. जैसे पहला, ब्रजेंद्र नाथ सील ने पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी को एस्टैब्लिश किया एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को प्रमोट करने के लिए. ही वॉज अ ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट इंडियन साइंस. देन ही वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर जदुनाथ सिन्हा कि वो अपना मॉन्यूमेंटल वर्क इंडियन साइकोलॉजी के लिए ला पाए. एनन सेन गुप्ता, जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट के तरह उनको ट्रेन किया गया, उनके नॉन एम्पिरिकल पेपर्स थे साइंटिफिक जर्नल्स में. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टू वर्ल्ड कि यू आर अ पार्ट ऑफ एम्पिरिकल साइंस बट यू आर पब्लिशिंग नॉन एम्पिरिकल पेपर्स. इनका जो था, हिज राइटिंग्स कवर्ड द होल रेंज फ्रॉम साइकोलॉजी ऑफ मिस्टिसिज्म टू वेस्टर्न डांस. वो कैलकटा में भी नहीं रहे फॉर लॉन्ग. ही जॉइंट फिलोसफी डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी में. देन ही को ऑथर्ड अ बुक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी राधा कमल मुखर्जी के संग. सो द ओरिएंटेशन ऑफ दिस बुक वॉज मोर सोशियोलॉजिकल देन साइकोलॉजिकल. तो इनकी जो ये बुक थी वो ज़्यादातर तो सोशियोलॉजिकल थी. जैसे राज नारायण ने अपने बायोग्राफिकल नोट में लिखा कि ही टर्न्ड रिलीजियस, ही गॉट इंटरेस्टेड इन मिस्टिकल ट्रेडिशंस एंड पब्लिश्ड वर्क इन दिस एरिया. फिर गिरेंद्र शेखर बोस भी साइको एनालिसिस के साथ साथ ही वॉज इंटरप्रेटिंग होली गीता बंगाली मैगजीन प्रवसी में. तो इनकी एक बंगाली मैगजीन थी प्रवसी, उसमें इन्होंने होली गीता का इंटरप्रिटेशन दिया था बिना किसी रेफरेंस के साइकोएनालिटिक कॉन्सेप्ट से. सो यू आर डूइंग साइको, यू आर स्टडिंग साइको एनालिसिस, आप उसमें एंथुजियाज्म हो आपका बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फ्रायड. बट अगेन आप होली गीता का, तो यू आर लिविंग इन टू डिफरेंट वर्ल्ड्स. फिर उन्होंने एक लॉन्ग कमेंट्री लिखी इंडियन सेक्रेट टेक्स्ट में बंगाली, जिसका नाम पुराण प्रवेश है. गोपाल स्वामी जो मैसूर में थे, वो एक एंशियंट बैकग्राउंड से आ रहे थे, उनको दो डाइवर्स फील्ड्स में इंटरेस्ट था. अगेन जो गोपाल स्वामी थे, इंटेलिजेंस टेस्टिंग, एनिमल लेबोरेटरी, और उनका खुद का एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन था. एंड ही वॉज इन्वॉल्व इन वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज. अगेन टू वर्ल्ड्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट. सो ये जो इलस्ट्रेशंस है, दे आर साइटेड टू गिव सम क्लूज अबाउट हाउ इंडियन साइकोलॉजिस्ट मैनेज टू लिव साइमल्टेनियसली इन टू वर्ल्ड्स विथ लिटिल ओवरलैप. कि किस तरीके से जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे वो एक संग रहने की कोशिश कर रहे थे दो वर्ल्ड्स में. सो इट इज़ नो सरप्राइज दैट इंडियन साइकोलॉजिस्ट रिमेन्ड अ पोलिटिकल ऑल अलॉन्ग. देर इज़ नो रिफ्लेक्शन इन देयर वर्क ऑफ प्रीडोमिनेंट सोशल पोलिटिकल मूवमेंट्स. दे रिमेन्ड ऑन द एज ऑफ द सोसाइटी एज फार एज देयर प्रोफेशनल एक्टिविटीज वर कंसर्न. सो देयर रिसर्च लैक्ड कॉन्टिन्यूटी
commitment and conviction. Situation changed marginally after independence. Sirf marginal hi change hua. Jaise Durganand Sinha, who may be considered as one of the architects of modern psychology, has observed in his writings that early attempts at formulation of Indian psychology were rejected by psychologists in India who were trained in empirical tradition because of notions like rebirth, transmigration of souls, and supernatural power. So their research, actually there was no continuity, there was no commitment, and there was no conviction. Aap apni cheezon mein, you are not continuing with whatever you are doing, right? To glib talk, isko ek glib talk mana jata tha, revivalism. Indian psychology में एक बहुत ही पेजोरेटिव कॉनोटेशन था. सो किरण कुमार ने भी ऑब्जर्व किया इस सिचुएशन को. उन्होंने एक स्प्लिट, ही क्रिएटेड सम काइंड ऑफ अ स्प्लिट इन द पर्सनैलिटी, कि साइकोलॉजिस्ट एज अ प्रोफेशनल हम एक अलग हैं और साइकोलॉजिस्ट एज अ पर्सन हम अलग हैं. और इसी वजह से क्रिएटिविटी, ओरिजिनैलिटी इन सब में कमी है. कि इन वॉट वन डज, ड्रेनिंग ऑफ पर्सनल रिसोर्स एनर्जी एंड बर्न आउट हो रहा है. तो वी आर, कि उन्होंने बोला किरण कुमार ने, कि एक पर्सनालिटी में स्प्लिट आ गया, कि साइकोलॉजिस्ट एज अ प्रोफेशनल एंड साइकोलॉजिस्ट एज अ पर्सन दो अलग अलग चीज़ें हैं. तो साइकोलॉजिस्ट जो है अपने रोल में एज अ साइंटिस्ट, वो अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को एक सेट ऑफ अजम्पशंस और बिलीव्स की तरह जी रहा है, एंड एज अ पर्सन वो अनदर सेट ऑफ अजम्पशन बिलीव्स के साथ रह रहा है अमंग फेलो ह्यूमंस. So why, one reason why Indian they could live in two parallel worlds was probably because colonial rulers ko isme utility nahi dikhai deti thi apne empire ko consolidate karne mein. They did not find any utility in the psychology. Lekin sociology, social anthropology kyun aage gaya? Kyunki unke paas colonial administration kaise run kare उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उनके पास कंट्रीब्यूशन देने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट साइकोलॉजी में ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं निकल के आ रहा था. क्यों नहीं निकल के आ रहा था? बिकॉज अपने खुद के साइकोलॉजिस्ट वर लिविंग इन टू डिफरेंट वर्ल्ड्स. सो इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी दैट वॉज टोटली अनफेमिलियर टू द कोलोनियल. अब जो इंडियन कल्चर है, सोसाइटी है, वो कॉलोनियल ऑफिशियल से तो बहुत ही अनफेमिलियर थी. जो ये एक यूनिक सिस्टम था कास्ट, रिलीजन, ट्राइबल का, राइट? दे वर ऑल बैफलिंग टू इंग्लिशमैन. इनके कोई पैरेलल एक्सपीरियंसेस नहीं थे वेस्टर्न सोसाइटीज में इनके बारे में. तो इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोशल रियलिटीज, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, राइट? तो जब इंडियन कल्चर जब ये आए, तो इंडियन जो कल्चर था, सोसाइटी था, वो कॉलोनियल ऑफिशियल्स से अनफेमिलियर था. कास्ट, रिलीजन, ट्राइबल, इनके चीज़ों से भी अनफेमिलियर था, राइट? इंग्लिश मैन डिड नॉट नो ऑल दीज थिंग्स. तो जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो उनकी स्मूथ फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही थी. तो एक अर्जेंसी थी इस टॉपिक्स के लिए. तो ना ही इंडियन साइकोलॉजी नॉर वेस्टर्न साइकोलॉजिकल रिसर्च हेल्ड एनी सच प्रॉमिस, और वो लार्जली इग्नोर हो गया, ठीक है? तो उस टाइम पे ना ही इंडियन साइकोलॉजी और ना ही वेस्टर्न साइकोलॉजिकल रिसर्च उसने कोई प्रॉमिस किया कि दे विल हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग या किसी तरीके की चीज़ें, तो वो इग्नोर हो गई. तो इसीलिए ये अंडरस्टैंडेबल है कि ब्रिटिशर्स ने साइकोलॉजी को प्रमोट नहीं किया इंडिया में इन द सेम वे एज दे डिड इन द केस ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, राइट? क्योंकि अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन में अगर साइकोलॉजी इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, तो ऑफकोर्स इट इज़ बींग इग्नोर्ड. और वहीं पर एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी उनके कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प कर रही थी, तो इट गॉट प्रमोटेड. सो थ्री मेन स्ट्रीम्स अकेडमिक साइकोलॉजी की जो निकल के आई, दैट वॉज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस टेस्टिंग. इसको कल्चर फ्री माना जाता था और अनक्रिटिकल बोरोइंग माना जाता था फ्रॉम द वेस्ट. तो ये जो फैक्ट था दैट साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया लिव्ड इन टू वर्ल्ड्स, ये इंडिपेंडेंस के बाद भी नहीं चेंज हुआ, बल्कि और प्रोनाउंस हो गया. इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज
साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय स्प्लिटिंग डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, मतलब फिलोसफी को स्प्लिट करके साइकोलॉजी बना. तो लार्ज नंबर ऑफ फिलोसफी फैकल्टी क्या हो गया, वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में चली गई. और कुछ लोग जो साइकोलॉजी ऑप्ट कर रहे थे, देवर दोज जिनको लग रहा था कि इन नए डिपार्टमेंट्स में मेरी करियर अपॉर्चुनिटीज है, सो दे जस्ट फॉर दिस रीजन दे वेंट इन दोज डिपार्टमेंट. सो ये जो मूवमेंट था फिलोसफी से साइकोलॉजी का, दैट वॉज सो परवेसिव दैट 1960s के एंड तक मेजॉरिटी ऑफ चेयरमैन इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हैड अ फिलोसफिकल बैकग्राउंड. तो ये इतना ज़्यादा परवेसिव मूवमेंट हो गया कि फिलोसफी से आप साइकोलॉजी में लेके जा रहे हो. सो रादर देन मेकिंग अ न्यू साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फिलोसफी वॉज स्प्लिटेड इंटू थ्री डिपार्टमेंट्स. तो बहुत सारे जो चेयरमैन थे डिपार्टमेंट्स में, उनका एक फिलोसफिकल बैकग्राउंड था. अगर नॉर्मल कोर्स में देखा जाए तो इसका एक स्ट्रॉन्ग फिलोसफिकल नॉलेज है साइकोलॉजी के बेस पे कि इंडिजिनस कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज में और रिचर हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. उनका जो एक एंथुजियाज्म था टू एस्टैब्लिश अ न्यू आइडेंटिटी एज साइंटिस्ट, दीज फैकल्टी मेंबर्स विद अ बैकग्राउंड ऑफ इन फिलोसफी कम्प्लीटली डिसोसिएटेड देमसेल्फ फ्रॉम देयर पेरेंट. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब ऐसा भी जो इन्होंने ये सोचा, अगर एक नॉर्मल कोर्स में सोचा जाए तो ये पॉसिबिलिटी थी कि एक स्ट्रॉन्ग फिलोसफिकल नॉलेज बेस्ड साइकोलॉजी को मिल सकता था ताकि वो इंडिजिनस कॉन्सेप्ट थ्योरीज में और रिचर हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ. अपनी नई आइडेंटिटी एज साइंटिस्ट बनाने के लिए उनका जो फिलोसफिकल बैकग्राउंड था, उन्होंने खुद को उससे कम्प्लीटली डिसोसिएट कर लिया. सो दे गॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड फ्रॉम देयर पेरेंट डिसिप्लिन, यानी फिलोसफी से वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो गए. वो ज़्यादातर फैसिनेटेड थे बाय द आइडिया ऑफ वैल्यू फ्री कल्चरली न्यूट्रल एक्सपेरिमेंटल वर्क. कौन से एरियाज में वो इंटरेस्ट शो कर रहे थे, मेमोरी, साइकोफिजिक्स, परसेप्शन, लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन. सो दीज फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम फिलोसफी, उनका रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी बहुत कम ट्रेनिंग थी. तो जो मेजर क्वेस्ट ये थी कि आप मेथोडोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन, स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स आप कैसे सीखेंगे. सो ये शुरू से ही इट वॉज वेरी पोअरली डिसेमिनेटेड. तो इस प्रोसेस में वो आर्डेंट अडियरेंट्स हो गए वेस्टर्न रिसर्च मेथड्स के, क्योंकि आपको तो आ नहीं रहा है, वेस्टर्न में है. तो डिस्पाइट देयर फर्म मूरिंग्स, Psychology did not reap the fruits of this unique advantage. तो इन्होंने इस यूनिक एडवांटेज का कि दे आर फ्रॉम अ फिलोसफिकल बैकग्राउंड और वो इंडिजिनियस कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज को देख सकते, दे डिड नॉट रीप द फ्रूट्स. वो अभी भी को एग्जिस्ट कर रहे थे दो वर्ल्ड्स में. प्रोफेशनल्स की तरह दे आर एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च जो वेस्टर्न मॉडल्स पर फेस थी, लेकिन अपने क्रिएटिव अर्जेस को सेटिस्फाई करने के लिए वो अदर एक्टिविटीज में एंगेज थे. सो साइकोलॉजी एज अ प्रोफेशन वर्सेज साइकोलॉजी एज अ पर्सन, लिविंग इन टू डिफरेंट वर्ल्ड्स हैड एटलीस्ट टू मेजर इम्प्लीकेशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ साइकोलॉजी. पहला, वो थीमेटिक रिसर्च में ज़्यादा समय के लिए रहते ही नहीं थे, क्योंकि आप जब दो वर्ल्ड में रह रहे हो, जैसे कि आज कहा जाता है कि एक वक्त पर आप जब दो काम कर रहे हो तो आप उसको पूरी तरह नहीं कर पाते हो. तो इसी तरीके से जब आप दो वर्ल्ड्स में जी रहे हैं तो दे डिड नॉट एंगेज इन थीमेटिक रिसर्च ओवर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम. एक एरिया से दूसरे एरिया में हॉप करते रहना, एक थीम में इंटरेस्ट सस्टेन ही नहीं कर पा रहे थे. फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे फंड्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये भी एक डिसाइसिव फैक्टर्स होते हैं कि आप रिसर्च करोगे कि नहीं, देन एनी इंट्रिंसिक चीज़. इंट्रिंसिकली तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट एक्सट्रिंसिकली ऑल्सो इफ यू आर नॉट गेटिंग थिंग्स टू कंडक्ट द रिसर्च यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. सो इवन अ कर्सरी ग्लांस ऑल्सो वुड रिवील, उनका खुद का पब्लिश्ड काम भी रिवील करता है कि इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर किया. ये एक वेस्टर्न रिसर्चर के लिए बहुत ही बैफलिंग चीज़ है, बट इंडिया में एक बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है. उनका कोई एक थ्योरेटिकल इंटरेस्ट नहीं था, राइट? एंड देयर वर वेरी फ्यू इंडियन रिसर्चर्स हुज वर्क हैड अ इफेक्ट. फिर प्रोफेशनल बॉडीज ऑफ इंडियन साइकोलॉजिस्ट रेयरली टुक एनी स्टैंड ऑन नेशनल इशूज. उसके बाद कोई भी रेयरली एक नेशनल इशूज पर कोई भी स्टांस था. दे हैड नो स्टांस ऑन वाइटल नेशनल इशूज. दे वर मोर इंटरेस्टेड इन एनुअल कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग्स, वेर रेयरली सब्सटैंशिव इशूज वर डिबेटेड. तो इस कॉन्फ्लिक्स के चलते भी उनका जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन था वो वीकेंड हो गया और साइकोलॉजी का कोई भी एक लार्जर विजन नहीं हो पाया, राइट? तो दिस वॉज द मेन स्टार्टिंग ऑफ अकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया.
प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस. द नेक्स्ट पार्ट इज इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स सोशली रेलिवेंट रिसर्च, रैपिड अनप्लान्ड एक्सपेंशन, देन कंसोलिडेशन ऑफ वेस्टर्न रिसर्च, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, जर्नी टुवर्ड्स इंडिजिनस एंड साइकोलॉजी. दिस विल बी कंटिन्यूड इन द पार्ट 2, 3 और वॉट एवर. सो दिस वॉज द मेन स्टार्टिंग दैट वॉट वॉज बेसिकली साइकोलॉजी इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट डेट्स, कवरिंग ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड एवरीथिंग. सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. साइकोलॉजी की पाठशाला.